फ्रेंड्स हमारे साथ सुहानी शर्मा है, जबलपुर से है, 677 स्कोर, ऑल इंडिया रैंक 950 फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो सुहानी से हम लोग पूछेंगे कि स्कूल एग्जाम और नीट एग्जाम की तैयारी साथ में कैसे मैनेज करते हैं। तो सुहानी सबसे पहले यही बताइए कि आर यू गोइंग टू बी द फर्स्ट डॉक्टर इन योर फैमिली? यस सर, यस। तो सब लोग बहुत एक्साइटेड है? हाँ, सर। बहुत बढ़िया। तो आपने एक कोचिंग ज्वाइन की, 2 साल आपने ऑनलाइन पढ़ाई की, तो ये बताइए क्या ऑनलाइन पढ़ाई मुमकिन है, या फिर बच्चे कहते हैं वो जो आसपास लोग बैठे होते हैं, जो क्लासरूम का अरोमा होता है, जो डेस्क की फील होती है, जो टीचर को हम पास से देख पाते हैं, वो सब हवा है या सच में उसके बिना भी तैयारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इनिशियली यू मिस इट अ बिट, बट देन आफ्टर यू आर स्टूडेंट्स मेक द एफर्ट टू इंटरेक्ट विद योर टीचर, क्योंकि टीचर्स हमारा फेस देख के नहीं बता सकते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, वो जो ऑफलाइन में करेक्ट, होता है। बट देन अगर वी एज स्टूडेंट्स आर इंटरेक्टिव एंड वी टेल द टीचर आर डाउट एंड ट्राई टू कनेक्ट विद देम, देन दे फॉर श्योर विल बी एज इंटरेक्टिव एज दे कैन एंड ट्राई टू हेल्प अस आउट। तो आपको कॉन्फिडेंस है कि ऑनलाइन भी तैयारी हो सकती है आराम से? फैंटास्टिक। अब इस वाली चीज पे चलते हैं। आई वांट टू यूज दिस इंटरव्यू। आप लोग महान है, मतलब 677 है, 950 रैंक है आपका, कुछ 96% 12th में है, तो सारी चीजें कैसे कर लेते हो? तो ये बताइए, व्हाट इज द ट्रिक टू इट? आई फील ट्राइंग नॉट टू फोकस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ट्राइंग टू फोकस योर प्रेप इन टू अ सिलेक्टेड नंबर ऑफ बुक्स एंड स्टिकिंग ऑन टू देम फॉर द एंटायरिटी ऑफ 2 ईयर्स इज आई फील द ट्रिक। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताइए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्कूल की पढ़ाई और नीट की पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट है, क्या यह सच है? नहीं सर, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बोर्ड एंड ऑफ नीट आर द सेम, एंड ठीक अगर है, आप अपनी नीट की पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं तो बोर्ड सर वुड बी अ पीस ऑफ केक व्हेन इट कंपेयर टू नीट। तो ऐसे सोचा जाए कि दोनों का सिलेबस फंडामेंटली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपने वो पढ़ ली या यस सर, उससे रिलेटेड किसी ने आपको पढ़ा दिया, उसके बाद एनसीईआरटी का रीडिंग कर लिया, तो थ्योरी हो गई। यस स्कूल सर, के हिसाब से आपने एनसीईआरटी के पीछे के सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए और नीट के हिसाब से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए, तो ये पहली चीज हुई। दूसरी चीज आप ये कह रही है कि जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डोंट ट्राई एंड डू टू मेनी थिंग्स। ये रियलिटी है कि स्कूल के साथ आपके पास लिमिटेड टाइम अवेलेबल है, यू कांट डू टू मेनी थिंग्स एंड यू डोंट नीड टू डू टू मेनी थिंग्स, राइट? यस सर, तो आपने, बिकॉज हाँ बोलिए प्लीज। यस सर, बिकॉज टू मेनी थिंग्स सर, इट्स अ लिमिटेड टाइम, इट्स 2 ईयर्स एंड इट माइट फील लाइक अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट फॉर अस व्हेन वी आर इन द प्रेप इट फील्स लाइक इवन 2 ईयर्स इज नॉट इनफ। सो सर, आई ट्राई टू लिमिट द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस एंड द बुक्स दैट आई प्रैक्टिस सो दैट आई कुड रिविजिट देम अगेन एंड अगेन, बिकॉज इट वुड हेल्प मी रिवाइज and revisiting the concepts made me more confident rather than practicing a lot of difficult questions or a lot of things that I could not complete in such limited time. तो आप कोचिंग कर रही थी, फिर आपने टारगेट बैच क्यों ज्वाइन किया? यदि आपके लॉजिक से जाएं तो आपको बस अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए था, आपने फिर टारगेट बैच ज्वाइन करके वहां से क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस किए? यस सर, बिकॉज टारगेट बैच के बारे में मुझे जो अच्छा लगा वॉज द एनसीईआरटी ऑप्शन दैट वॉज देयर। एवरी क्वेश्चन दैट आई यूज टू गेट रॉन्ग और दैट आई डिड नॉट नो द आंसर टू, आई कुड इमीजिएटली नो विच पेज नंबर ऑफ द एनसीईआरटी वॉज इट फ्रॉम एंड आई यूज टू रेफर इट एंड अंडरलाइन इट सो दैट आई कुड रिवाइज इट अगेन एंड दैट रियली हेल्प मी मेमोराइज एंड विजिट एवरी पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी दैट आई वुड हैव नॉर्मली मिस्ड I was reading it by myself. अंडरस्टूड, ओके, ठीक है। तो सुहानी अब ये बताइए, 677, व्हाट कॉलेज आर यू टारगेटिंग? So, my first preference would be AIIMS Bhopal, followed by AIIMS Raipur, and then AIIMS Nagpur would be my third preference. भोपाल, रायपुर, नागपुर। Yes, sir. तो भोपाल सबसे पहले बंद होता है, जो Yes. नेक्स्ट जनरेशन एम्स है। रायपुर सबसे बाद में बंद होता है और एम्स नागपुर से ओपन होता है, तो बीच में जोधपुर, ऋषिकेश, भुवनेश्वर, ये सब कहाँ रह गए?
I have chosen names that are nearer to my hometown, as I'd like to be जबलपुर. closer to my home. So what is जबलपुर famous for? जबलपुर के पास से नर्मदा निकलती है. Yes, sir. And waterfalls also. Waterfall is also there. Okay. Excellent. Swani, this is fantastic. Students, मेरे हिसाब से इस वाले इंटरव्यू एंड आई पर्सनली बिलीव दैट इट इज नॉट इजी टू प्रिपेयर फॉर मैनेज योर स्कूल्स एंड योर नीट एग्जाम एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स उस वाली जर्नी को और ज्यादा डिफिकल्ट बना लेते हैं बाय सराउंडिंग देमसेल्व्स विद अ लॉट ऑफ कोर्स मटेरियल. तो जो सुहानी बोल रही है वेरी प्रैक्टिकल. आप उस चीज में मत रहिए, मतलब आप उस मेंटालिटी से पढ़ेंगे ना कि मैं जितने ज्यादा सवाल लगाऊंगा शायद उसमें से एक अटक जाएगा. तो अभी तो ये होता है कि शायद ऐसा सवाल आएगा. अच्छा, ज्योतिषी की तैयारी कर लो, डॉक्टरी की तैयारी क्यों कर रहे हो, है ना? राइट स्वानी, वो पर्सपेक्टिव होता है, मतलब बिल्कुल कुंजी वाली मेंटालिटी होती है. हाँ सर, दे थिंक कि द मोर क्वेश्चंस आर फैक्टर्ड द मोर प्रोबेबिलिटी इट इज ऑफ कमिंग इन द एग्जाम. But I thought so, the more concept I get cleared, then the more probability would be that वो concept आएगा and then I'd be able to solve it. आपका सेंस क्या है, आपने हर एक चैप्टर में ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे? Sir, on this platform, chapter wise, I used to go through about 200 questions every day during my last 3 months of NEET prep. Okay, yes. But तीन महीने में तो आपको करने के लिए कुछ बचा नहीं. स्कूल वाज ओवर एंड यू जस्ट कीप प्रिपेयरिंग. फैंटास्टिक सुहानी, दिस इज वेरी गुड. थैंक यू सो मच फॉर सम गुड प्रैक्टिकल एडवाइसेस. होपफुली स्टूडेंट्स हु आर इन राइट नाउ स्ट्रगलिंग विद क्लास 12, इट कैन बिकम वेरी बर्डनसम. दे विल फाइंड दिस वेरी यूजफुल. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी सुहानी. Thank you. Thank you so much, sir.